कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो पीडीए का नारा था उस पीडीए की जीत हुई है, ये माननीय अखिलेश यादव जी की सोच की जीत हुई है ये। आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीटों को जीतने का दावा किया था, मगर उत्तर प्रदेश में नतीजे बिल्कुल चौंकाने वाले सामने आए। यहां पर भारतीय जनता पार्टी 80 में से आधी सीटें भी जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। अगर बरेली की बात करें तो आंवला लोकसभा सीट पर दो बार मजबूती से जीत हासिल करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप को यहां करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नीरज मौर्य ने उनको 15,969 वोटों से हराकर आंवला लोकसभा का किला फतेह कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए नीरज मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का जो पीडीए का नारा था उसकी जीत हुई है। मीडिया के द्वारा किए गए इस सवाल पर कि धर्मेंद्र कश्यप को हैट्रिक बनाने से आपने रोक दिया, तो उन्होंने कहा कि झूठ बोलने वालों की हार हुई है, झूठ बोलने वालों का उत्तर प्रदेश से सफाया कर दिया गया है, पूरे भारत से झूठ बोलने वालों की हार हो रही है। उन्होंने कहा कि अब हमारे देश में ऐसे लोग आएंगे जो इस देश का भला करेंगे, गरीबों का भला करेंगे, गरीबों का कल्याण करेंगे। आंवला की महान जनता को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो पीडीए का नारा था उस पीडीए की जीत हुई है, ये माननीय अखिलेश यादव जी की सोच की जीत हुई है ये। क्या लग रहा है, आपने जो हैट्रिक की तैयारी में थे उनको पछाड़ दिया है, किस तरह से पूरा थोड़ा पीछे ऐसा है? झूठे लोगों को जनता सिपक सबक सिखा रही पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश में उनका सफाया हुआ है, आपने देख लिया। अब झूठे लोग राज नहीं करेंगे, हमारे देश के अंदर अच्छे लोग आएंगे जो इस देश का भला करें, जनता का भला करें, गरीबों का भला करें, कल्याण करें गरीबों का, ऐसे लोग आएंगे, इसलिए जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।